मतलब मैंने बोला नहीं, सबसे बड़ी बात तो इस उम्र में नमाज के पढ़ने के लिए मोटाते कुर्सी पे बैठ के हमको नमाज पढ़ना पड़ती थी, हम मस्जिद में यहाँ जाने में शर्म आती थी, कह रहे अपन सब लोग नीचे बैठे हैं अपन ऊपर बैठे हैं, अब मैं नमाज बरोबर पढ़ सकूंगा, सबसे बड़ी बात है नमाज पढ़ सकूंगा, क्योंकि जो आपके यहाँ पर जो ऊपर ये होता है एक्सरसाइज, उसके अंदर वो नमाज वाले एक्शन पे ही करवाते हैं वो हमें, तो वो मैं नमाज मतलब बरोबर पढ़ सकूंगा, मतलब मैं दो कदम बगैर सहारे के नहीं चल पाता था, यूं लगता था कि मैं अभी गिर जाऊंगा, मेरे पैर में मेरे एकदम झंझनाट आती थी, सुन होने लगता था। आपके यहाँ के इक्विपमेंट्स भी मैंने देखे, दूसरी जगह भी मैं गया था वहां भी देखे थे, आपके यहाँ जो आपका एडवांस थेरेपी के नाम है वो सारे इक्विपमेंट्स एडवांस ही है, मतलब जो है अच्छा सर्जरी ही करवाना पड़ेगी आप सर्जरी के अलावा कोई, हाँ और मैंने सर्जरी के लिए ना बोल दिया था कि मैं सर्जरी इस उम्र में अब नहीं करवाऊंगा, मेरी आज 72 साल की उम्र है और आज मैं मतलब वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में मतलब यूं लग रहा है कि हाँ अब मुझे जीना है। सैयदना ने हाथ फेर के मेरे को दुआ दी थी, तो वो एक रास्ता था आपके यहाँ आने का, मैं आया और आपने मुझे मतलब उस काबिल बना दिया कि मैं अब मतलब किसी का मोहताज नहीं रहूंगा, मैं अपने बलबूते पे जा सकूंगा और आ सकूंगा। कितने दिन इलाज कराया आपने यहाँ? आज 11वां दिन है मेरे को। अच्छा, 2 साल का दर्द 11 दिन के अंदर खत्म हो गया मेरे को, खत्म हो गया। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, और भगवान करे महाकाल की नगरी है महाकाल बाबा आपको बहुत सारा दे, और जो है तो हम अपने सैयदना से दुआ करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को मतलब बहुत ज्यादा दे, और ये जो है तो हमारे मुल्ला जियों में इस टाइप की बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है, और ये आपका जो वीडियो है बना हुआ ये मैं शेयर करूंगा हमारे वालों में, ताकि जिसको भी दिक्कत होगी वो आपके पास आएंगे और जो है तो शिफाए कुल्ली लेके जाएंगे आपके यहाँ से। मैंने आपसे आते से पहले ये बात बोली कि सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर बहुत सारे हैं, पैसे भी लेते हैं, इलाज भी करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस वाले आदमी नहीं मिलते हैं। जो आपने कॉन्फिडेंस से बोला था कि आपको 10 रोज का कोर्स है, 10 से 11वें दिन आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, तो वही हुआ, आज 11वें दिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है और मैं आराम से चल फिर सकता हूँ, आपसे इतनी देर खड़े रह के बात कर रहा हूँ ये सबसे बड़ी बात है कि मैं इतनी देर तक खड़ा हूँ मैं, और मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ये नहीं कि मेरे को ये हो रहा है, नहीं तो इतनी देर खड़ा तो मेरे को ये लगे कि अभी हाल में बैठ जाऊं, मतलब क्या बात है बहुत कम पैसे के अंदर बहुत मतलब आराम से और बहुत कम समय, मतलब 10 रोज कोई बहुत बड़ी, 11 रोज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं 1 महीना गया तो फर्क नहीं पड़ा, बाकी 11 रोज के अंदर मैं आज आपसे तन के खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे सर? अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ये है कि मैं 2 कदम बगैर सहारे के नहीं चल पाता था, यूं लगता था कि मैं अभी गिर जाऊंगा, मेरे पैर में मेरे एकदम झंझनाट आती थी, सुन होने लगता था। कितने समय से ऐसा लगता? अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरी नॉर्मल जिंदगी में आ गया, जैसा मैं पहले था वैसा अब हो गया हूँ, वैसा ये सब ये है मतलब आपके द्वारा किए हुए हैं, और आपके यहाँ पर जितने भी वर्कर है, जो भी डॉक्टर है, वैसे इतने बढ़िया नेचर है सबका, और इतना बढ़िया मतलब हर चीज को सुनते हैं और हर चीज का प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं कि ये आप गलत सो रहे हैं, इसको आप ऐसे सो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ये करो। और आपके यहाँ के इक्विपमेंट्स भी मैंने देखे, दूसरी जगह भी मैं गया था वहां भी देखे थे, आपके यहाँ जो आपका एडवांस थेरेपी के नाम है वो सारे इक्विपमेंट्स एडवांस ही है, मतलब जो है। अच्छा आपको दिक्कतें कब से हो रही थी? ये मेरे को 2 साल हो गए करीब करीब, मैं मतलब लंदन गया था, वहां से आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हम जो है तो 9-10 घंटे का मतलब जो है तो फ्लाई सफर किया था, इसलिए मुझे ये हुआ है, लेकिन बढ़ते 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 बहुत हो गया। हमने इंदौर में भी डॉक्टरों को बताया, इंदौर में भी हमने बहुत इलाज करवाया, 1 महीना तक डेली अप डाउन किया इंदौर उज्जैन जाने आने में, इंदौर में इंदौर में, और अबे मतलब ये एक डॉक्टर भी है जो हमारे बच्चों का हमारे बेटे का ऑपरेशन किया था, उनको भी बताया, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई कि ये सर्जरी के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, सर्जरी ही करवाना पड़ेगी आप सर्जरी के अलावा कोई, हाँ और मैंने सर्जरी के लिए ना बोल दिया था कि मैं सर्जरी इस उम्र में अब नहीं करवाऊंगा, मेरी आज 72 साल की उम्र है और आज मैं मतलब वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में मतलब यूं लग रहा है कि हाँ अब मुझे जीना है, अब मैं नमाज बरोबर पढ़ सकूंगा, सबसे बड़ी बात है नमाज पढ़ सकूंगा, क्योंकि जो आपके यहाँ पर जो ऊपर ये होता है एक्सरसाइज, उसके अंदर वो नमाज वाले एक्शन पे ही करवाते हैं वो हमें, तो वो मैं नमाज मतलब बरोबर पढ़ सकूंगा, मतलब अच्छा,
आप इसकी सबसे अच्छी खुशी है आपको कि मैं नमाज पढ़ सकूं। हाँ। क्योंकि आज इस उम्र में अब मेरे को कोई काम धंधा तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं रिटायर हूँ, मेरे दो बेटे हैं, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, मैं हज भी कर आया हूँ, उम्रे भी 4 बार कर आया हूँ, करबला भी होके आया हूँ, सब कुछ कर लिया है मैंने, अब नमाज के अलावा और क्या रह गया, और अपने पोतियाँ हैं मेरे पास, 4 पोतियाँ, मैं उनको खिला सकूँ, उनके साथ मैं अपना जीवन जो भी मेरी जिंदगी है उसको व्यतीत कर सकूँ। और खास मैंने अभी हमारे यहाँ सैयदना साहब पढ़ा रहे थे उज्जैन के अंदर, मेरे घर पे जो पढ़ा रहे थे, तो मैंने उनसे भी यही एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जितनी लाइफ है, मेरे ये उम्मीद है कि मैं जब भी मतलब असर मुहर्रम होते हैं तो मैं आपके कदमों में बैठ के ही इमाम हुसैन का मातम करूं बस। क्या बात। और ये मतलब ये आपके द्वारा जो सैयदना ने हाथ फेर के मेरे को दुआ दी थी तो वो एक रास्ता था आपके यहाँ आने का, मैं आया और आपने मुझे मतलब उस काबिल बना दिया कि मैं अब मतलब किसी का मोहताज नहीं रहूंगा, मैं अपने बलबूते पे जा सकूंगा और आ सकूंगा। अच्छा, जब यहाँ आए थे आप तो क्या समस्या आ रही थी? मेरे को मैं 4 कदम भी नहीं चल पाता था, मेरी जो पैर है तो वो बिल्कुल एकदम सुन होने लगते थे और ऐसा लगता था कि अभी मैं गिर जाऊंगा, तो मुझे लकड़ी लेकर ही चलना पड़ता था। मैं अभी आपसे इतनी देर तक खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, मैं नहीं खड़ा रह सकता था इतनी देर तक। कितने दिन इलाज कराया आपने यहाँ? आज 11वां दिन है मेरे को। अच्छा, 2 साल का दर्द 11 दिन के अंदर खत्म हो गया मेरे को। खत्म हो गया। हाँ, जबकि आपने इंदौर में भी एक महीना अप डाउन किया मैंने, 1 महीना। हाँ। उसमें मैंने इतना CNG जला दिया, ड्राइवर को पैसा दिया और गया आया, अपना टाइम मतलब 2 बजे जाता था, शाम को 7 बज जाती थी रिटर्न आने में मेरे को, इतना टाइम व्यस्त होता था मेरा। लेकिन आज यहाँ पर आने में मैं सुबह में 9 बजे यहाँ पहुंच जाता हूँ, 9:15 बजे, और 11:30 बजे घर पे पहुंच जाता हूँ, जुपिटर से आता हूँ अपने बलबूटे पे आता हूँ, और आता था तो और भी मेरे को तकलीफ थी थोड़ा उतरने में, किसी को बोलता था मेरी जुपिटर को, आज मैं अपने मन से उतरता हूँ, अपने मन से जुपिटर स्टार्ट करता हूँ, निकल के चला जाता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं है मतलब जो है। वेरी नाइस। आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, और भगवान करे महाकाल की नगरी है महाकाल बाबा आपको बहुत सारा दे, और जो है तो हम अपने सैयदना से दुआ करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को मतलब बहुत ज्यादा दे, और ये जो है तो हमारे मुल्ला जियों में इस टाइप की बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है, और ये आपका जो वीडियो है बना हुआ ये मैं शेयर करूंगा हमारे वालों में, ताकि जिसको भी दिक्कत होगी वो आपके पास आएंगे और जो है तो शिफाए कुल्ली लेके जाएंगे आपके यहाँ से। देखिए, आपकी सेवा करना ही हमारा काम है कि हर व्यक्ति जो यहाँ आए वो ठीक होके जाए। बस वही है, पैसा तो हर आदमी दुनिया में कमाने को बैठा है, कमाता भी है, लेकिन सेवा भाव से जो आदमी काम करता है वो कभी भी निराश नहीं होता है। तकलीफ जरूर आती है, चांद सूरज को भी ग्रहण लगते हैं, तकलीफ जरूर आती है, लेकिन स्थायी नहीं रहती है वो। जी, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे आप जब आए थे तब हमने आपको क्या कहा था? आपने बोला था कि 11 रोज के अंदर आपको कर देंगे, और क्या हुआ? हो गया, 11वें दिन में बिल्कुल मतलब एकदम बिल्कुल एकदम फिट हूँ, मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी देर तक खड़ा ही नहीं रह सकता था, मैं आपसे बात नहीं कर सकता था जो हमने कहा वो किया ना। हाँ, मैंने आपसे आते से पहले ये बात बोली कि सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर बहुत सारे हैं, पैसे भी लेते हैं, इलाज भी करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस वाले आदमी नहीं मिलते हैं। जो आपने कॉन्फिडेंस से बोला था कि आपको 10 रोज का कोर्स है, 10 से 11वें दिन आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, तो वही हुआ, आज 11वें दिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है और मैं आराम से चल फिर सकता हूँ, आपसे इतनी देर खड़े रह के बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं इतनी देर तक खड़ा हूँ मैं, और मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ये नहीं कि मेरे को ये हो रहा है, नहीं तो इतनी देर खड़ा तो मेरे को ये लगे कि अभी हाल में बैठ जाऊं मतलब। क्या बात है। आपके चेहरे की ये जो खुशी है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, समझ रहे हैं आप समझ लीजिए कि आप 1 महीने तक इंदौर का 1 लाख आपने खर्च किया, उसके 10% में आप या 10 दिन में सही होके जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम 100% मतलब जो है तो, जो आप बोल रहे हैं, जो आपने बोला वो करके दिखा दिया, और वो देखा हमें 8 रोज 7 रोज 8 रोज तक भी ये विश्वास कि आप बोला तो है कैसे है, हाँ कम हो रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि 11वें दिन हम बिल्कुल एकदम तन के खड़े होके बात करेंगे बोले तो। आपको पता है आपकी MRI में क्या है? आपकी MRI में है कि आपको जो है बहुत बड़ा पोस्टोलेटरल प्रोट्रूजन है L4-L5 पे, और L3 पे रेट्रोलिस्थेसिस है, और लेफ्ट पैरासेंट्रल प्रोट्रूजन है L3-L4 पे, और लेफ्ट नर्व रूट पूरी कंप्रेस्ड है। मतलब इसमें जितना लिखा है ना, इसके हिसाब से तो सर्जन आपको देख करके यही बोलेंगे कि भाई सर्जरी करा लीजिए। और सोचिए आप 11 दिन में सीधे खड़े हैं बिना तकलीफ, बिना जिस दिन आप आए थे तो पूरी कमर ऐसी तिरछी होती थी आप, और खड़े नहीं हो पा रहे थे आप, आज देखिए आपने 10 मिनट हमसे खड़े होके बात की। हाँ।
करेक्ट, ये टेस्टिंग भी हो गई हमारे ट्रीटमेंट की। आप बैठ के नमाज पढ़ना चाहते थे, वो भी हमने आपको एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में वो सब करवा के भी दिखवा दिया, हो गया ना। आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे। मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब मैंने बोला नहीं, सबसे बड़ी बात तो इस उम्र में नमाज के पढ़ने के लिए मोटाते कुर्सी पे बैठ के हमको नमाज पढ़ना पड़ती थी। हम मस्जिद में यहाँ जाने में शर्म आती थी, कह रहे अपन सब लोग नीचे बैठे हैं, अपन ऊपर बैठे। खाना खाने के लिए बैठे तो हमारे जो मतलब आमिल रहते हैं, जो यहाँ के मतलब उज्जैन के कलेक्टर बोल दिए उनको, हमारे एरिया के कलेक्टर है वो, आमिल है मतलब सही ना की तरफ से, तो अब वो नीचे बैठे हुए हैं और हम उनके पास में ऊपर बैठ के खाना खाए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं जाता ही नहीं था, और जाता था तो तकलीफ भी उठा के उनके साथ में नीचे बैठ कर ही खाना खाता था। लेकिन आज अब मुझे बेडर, कोई डर नहीं, किसी का कोई वो नहीं, मैं बैठ के आराम से उनके साथ में बात करूंगा, बैठ के खा भी सकूंगा, सब कुछ हो सकेगा मेरा। आप जो एक्सरसाइजेस हमने आपको सिखाई है ना ये 10 दिन में, ये एक्सरसाइज रोज सुबह आपको करनी है, सुबह उठते ही आधा घंटा करनी है, सोने से पहले आधा घंटा करनी है, आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, यहाँ कभी लाइफ में दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो एक्सरसाइज बराबर करनी है, ये आप मतलब यूं समझ लीजिए कि जितना नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी है उतना एक्सरसाइज भी आपके लिए जरूरी है, समझ लीजिए। नमाज आप ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, इस शरीर की इबादत एक्सरसाइज है। ये शरीर सही होगा तो इबादत भी सही कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी आप नमाज पढ़ पाएंगे, तभी आप सही से इबादत कर पाएंगे। तो इसलिए शरीर दुनिया की धंडोलट हो अगर मतलब जो है तो बदन के अंदर अपने तकलीफ है, दुख है, तो वो सारी धंडोलट कोई काम की नहीं। सही बात, और बहुत कम पैसे के अंदर बहुत मतलब आराम से और बहुत कम समय, मतलब 10 रोज कोई बहुत बड़ी, 11 रोज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक महीना गया तो फर्क नहीं पड़ा, मैं कि 11 रोज के अंदर मैं आज आपसे तन के खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है जी। यही हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति यहाँ जल्दी से स्वस्थ होके जाए, जिसको पूरी दुनिया ने भी ऑपरेशन बोला है वो भी अच्छा होके जाए। यही हमारी ईश्वर से रोज प्रार्थना भी रहती है और हमारी कोशिश भी रहती है। ये मैं आपको मतलब ये अनकरीब के अंदर 2 मरीज और है मेरे पास में, हमारे एक तो वेवी है, वो उनको पेड़ हो गया था तो अभी जा रहे हैं, मैं उनको इंदौर से यहाँ लेके आऊंगा और उनसे उनका इलाज भी करूंगा। और एक बॉम्बे का मैंने बोला ही था उनको, ये यहाँ पर इसमें दर्द है वो उनको मैंने बोल दिया है, और ये आपका जो है ये उनको भेजूंगा मैं लिंक, ना भेजिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियोस देख के भी बहुत सारे लोग आते हैं और सही होके जाते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है ये फीडबैक है, ये हमारे लिए भी वैल्यूएबल है और लोगों के लिए भी वैल्यूएबल है, जो कहीं ठीक नहीं हो पा रहे, जो दर्द में परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, तो उनके लिए आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, ये उन तक पहुंचेगा, ठीक है, तो लोग कष्टों से मुक्त हो पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपके यहाँ पर पूरे स्टाफ का, पूरी टीम का मैं धन्यवाद आपके द्वारा अर्पण करता हूँ मैं, कि सबने बहुत अच्छी मिलजुल के मेहनत की और मैं आज मतलब स्वस्थ होके यहाँ से खुश होकर जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऐसे ही और आशीर्वाद देते रहिए।